अरे तेरे पापा तेरे लिए हीरा ले रहे थे, हीरा हीरा हीरा। लड्डू देख, तेरे मम्मी राजभोग लाई तेरे लिए, राजभोग से खुद हो रही है, राजभोग लेके आई है देख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है इवनिंग, संडे इवनिंग, और मैं दोबारा से आज से ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली रमेश आज घर में नहीं था, आज उसकी छुट्टी नहीं थी, उसका वर्किंग था। तो घर आते ही रमेश ने बोला चल बाहर डिनर करके आते हैं, और बस डिनर करने के लिए निकल रहे थे तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग हीरा स्वीट्स जाएंगे, जो कि यहाँ पे अभी नया खुला है। और पापा को भी वहाँ जाने का बहुत मन था, तो पापा मम्मी को भी हमने पिक किया। और वैसे भी हम कभी घर से बाहर निकलते हैं तो मॉम डैड को तो साथ लेते ही लेते हैं, तो बस मॉम डैड को भी पिक कर लिया है। और मॉम ने अपनी राजगद्दी संभाल ली है, जब भी मॉम हमारे साथ जाती है घूमती है तो वो हमेशा आगे वाली सीट पे बैठती है और मैं पीछे बैठ जाती हूँ। तो बस ये हम लोग पहुँच गए हैं हीरा स्वीट्स, और बस लड्डू बहुत एक्साइटेड है। और लड्डू के लिए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा बाहर निकला करें, क्योंकि उसे अभी पता नहीं है कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो मैं भी अंदर जाके बस यही बोल रही थी सबको कि इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग बाहर निकाला करेंगे, तभी ये थोड़ा सीखेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और हम करते हैं अच्छा से डिनर। और साथ ही साथ मैं यहाँ की वैरायटी दिखाती हूँ कि कितनी सारी यहाँ पे वैरायटी है और मिठाइयों की। और चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है, और लेकिन लड्डू बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उसको ये था कि मैं घूमूंगा पूरे, मतलब उसको छोड़ दो और वो इधर उधर बस भागेगा। तो पापा फाइनली उसको लेके गए हैं थोड़ा घुमाने के लिए कि जब तक ऑर्डर नहीं आता मैं इसको घुमा देता हूँ, नहीं तो ये किसी को नहीं बैठने देगा। तो चलिए ठीक है, जब तक हमारा ऑर्डर आता है तो मैं भी आपको घुमाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। तो सच सच बताना, आपके मुंह में पानी आ रहा है ही नहीं, बट पता नहीं मुझे इतना खाने पीने का शौक़ इतना नहीं है, और ना ही मिठाइयों का इतना शौक़ है। मैं थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ इसके जगह अगर कोई घर सजाने की चीज़ें होती या प्लांट्स होती तो अभी मिनटों में जेब खाली करा देती मैं रमेश की। तो ये देखिए इतनी सारी मिठाइयाँ, जिनको देखकर मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं आ रहा। और मैंने अभी ऑर्डर भी अपने लिए क्या किया है, कुछ कुलचा किया, आलू कुलचा ना पता नहीं क्या कुलचा कुछ किया तो है मैंने। बट चलो एंजॉय करते हैं अपना डिनर और फिर मारते हैं थोड़ी तफरी।
सो वी आर डन विद आर डिनर, और डिनर के अलावा हम लोगों ने लिए थे गुलाब जामुन और बालूशाही, और अब कुछ घर के लिए मिठाइयाँ लेंगे। तो ये देखिए होली का सामान, देखिए गुजिया, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ गुजिया, और ये बड़े वाले लड्डू देख रहे हैं, इनको देख के मुझे ना रमेश की दादी की याद आ गई। लड्डू होने के बाद ना, डिलीवरी के बाद बेसिकली मेरे को इतने बड़े बड़े लड्डू, सेम यही लड्डू दादी ने बना के दिए थे, और सच में इतने अच्छे होते थे वो, मैं दिन के दो खाती थी, सुबह एक शाम के एक, तो बहुत अभी भी कभी कभार क्रेविंग होती है उस लड्डू की। तो हम अभी घर के लिए ले रहे हैं, बेसिकली मम्मी और पापा के लिए ले रहे हैं ये राजभोग वाली मिठाई, सच में बहुत पसंद आती है मम्मी पापा को। तो बस मॉम डैड के लिए पैक कराए, और मैं जल्दी अब घर के तरफ वापस। लड्डू देख, तेरी मम्मी राजभोग लाई तेरे लिए, राजभोग से खुद हो रही है, राजभोग लेके आई है, देख राजभोग जी तो खुद हो रही है लड्डू। राजभोग पापा कहाँ है, टाटा कर दे, चलो चलो भक्त चलो। अरे पापा ये देखो लड्डू, ये कौन है, ये पापा है, ये देखो है ना। मम्मा देखो मम्मा क्या कर रही है, हम्म, चलो हाथ पकड़ के चलो, पापा की हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ने कह रहे हैं। हाँ नहीं बाय बाबू, डॉगी डॉगी ए धाला ना है, कह रहे बाय, कह रहे बाय, घर जाओ, चलो हम चलते हैं, चलो हम जा रहे हैं, डॉगी आ गया, वी आर गोइंग, डॉगी डॉगी वी आर गोइंग होम। खाना खा लिया, इतना काफी था, हीरा नहीं चाहिए। आ जाओ, खाना वाना खा लिया, बहुत मजे करे, और अभी हम ऐसी तफरी मार रहे हैं। मेरे को ऐसी अच्छा लगता है मम्मी, मम्मी खा पी कैसे, मतलब थोड़ा घूमे, वो रमेश ये करता है, खाओ पियो चल दो घर, वो तो शादी के टाइम से ही वो, हाँ बस चल दो घुमाने का, तो वो एक दो मिनट भी इधर उधर नहीं चलता मम्मी के घर, बस उठ के तुम्हारे घर चलो, मम्मी घर चलो, मेरे घर में थे, बाहर निकले, चल ना माँ के पास, पता नहीं क्या है माँ के पास, चल हंस रही है, मैं कह रहा हूँ हाँ भैया ऐसे लोग नए नए शादी करके अकेला ढूंढते, ये देखो चल माँ के पास, ऐसे मजा आता है, जैसे लग रहा है मैं बिल्कुल वो जॉब करती थी, घूमते फिरते आती थी घर में, वैसा लग रहा मेरे को, आज मजा आया तफरी मार के। अरे चप्पल, उसकी चप्पल खुल गई, चप्पल के लिए एक अरे हाथ में उठा लो बाबू, पैर और गंदा हो जाएगा, ऐसे बीच बीच में ना ऐसे, रमेश ऐसी आया करो, मतलब ये नहीं है खाया पिया और चल दिए, तफरी टाइप्स, तफरी टाइप चाहिए। अभी तो सुबह नहीं बोला तेरे, कोई संडे नहीं है, मना तो लिया संडे, अरे तो आज ही किया ना, वो पेट का शोर नहीं, तो हो ही गए, तुम बुड्ढे हो रहे हो, तुम भी नहीं कर रहे थे पापा को,
चलो पापा के प्लांट के टमाटर गिनते हैं कितने लगे हुए हैं, दिखाओ पापा। देखिए हटो दो एक तीन, ठीक है, तीन के बाद वो नीचे ये नीचे दो पांच, ठीक है, पांच के बाद ये तीन आठ, आठ चार बारह, अच्छा एक तेरह, काहे तेरह, एक चौदह, ओहो चौदह है और चौदह, एक पंद्रह, पंद्रह पंद्रह है ना ये, उसमें तो और भी आने वाले हैं। हाँ तो जब आएगा तो आएगा, फिलहाल तो पंद्रह है अब पापा वो पंद्रह, रमेश पंद्रह टमाटर आए, पंद्रह डेढ़ किलो अभी तो बनाए तो नहीं भगवान, दो तीन दिन में इतना हो चुके। ओ छोटे रमेश चले घर, चले चल घर चले, बाय कर लो बाय कर लो बाय। ओए कल पापा से मिला दिया, अब तो नहीं रोएगा। ए लड्डू तू स्टैंड ले लिया? हाँ बैग में है। चलो भाई चल बाय। पापा को भी किडनैप कर लो ना, आते रहिए फिर ये रोता रहता है करेगा क्या फायदा। चलो बाय पापा। तो ये व्लॉग मैं यही एंड करूंगी और होप करूंगी कि आज का ये छोटू सा व्लॉग आपको पसंद आया हो, और ये भी होप करूंगी कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर मिल जाएगा इस व्लॉग को, और नए फ्रेंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नए एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। चलो मेन रास्ते पर चला लो, मेरे को चला लिया।